पेड़ को काटने आए थे कुछ लोग, मगर धूप बहुत तेज थी तो छांव में बैठे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 25 से भी अधिक ऐसे प्लांट लेकर आई हूँ जिसे कटिंग से नहीं लगाया जाता है। कटिंग तो हम लोगों ने बहुत सारे लगा लिए हैं और सभी ग्रो भी हो जाते हैं, वो मैं आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर भी की हूँ, आप लोगों को बहुत सारा पसंद भी आया है। तो आज मैं ऐसे प्लांट लेकर आई हूँ जिसे कटिंग से ग्रो नहीं किया जाता है। उसे आप डिवाइड करके उसके सारे बहुत सारे पॉप्स निकलते हैं, उससे आप ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और जो डिवाइड वाले प्लांट होते हैं ना, वो 100% ग्रो हो जाते हैं, वो कभी भी मरते नहीं है। तो चलिए फिर देर किस बात की। वीडियो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो जो सबसे पहला पौधा है ना अपना, जिसे डिवाइड करके लगाया जा सकता है, इसकी कटिंग नहीं लगती है, तो वो है पहला पौधा अपना जरवेरा। जरवेरा की जितनी भी वैरायटी है ना, सभी को आप डिवाइड करके बहुत ही आसानी से एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली ग्रो भी हो जाती है। और इसके आप एक प्लांट लेकर आ जाइएगा तो वो पॉप्स निकल निकल कर बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस तरह से इसको देखिए, प्लांटर से निकाल दिए हैं इस तरह से, और इसके जितने भी प्लांट बने हुए हैं, देखने में तो बहुत सारा घना घना दिख रहा है, तो इसके जब प्लांट मैं निकालूंगी, सारे को अलग अलग करूंगी, तो इस तरह से इसके बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे और एक पौधे से बहुत सारे पौधे अपने तैयार कर लेते हैं। क्योंकि नर्सरी में तो जरवेरा बहुत सस्ती भी नहीं मिलती है और ना बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, जैसा प्लांट का साइज होता है ना उसी अनुसार मिलता है। कोई 150 में दे देता है तो कोई 250 में भी दे देते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ छोटा छोटा ग्लास ली हूँ, जो थर्मोकोल वाला होता है ना, वही वाला। और इसको एक प्लांट को जैसे मैं डिवाइड की थी, उसको मैं यहाँ पर इस तरह से रिपोर्ट कर देती हूँ और पानी में डाल रही हूँ फंजीसाइड। और फंजीसाइड डालने के बाद सभी जो पौधे मैं रिपोर्ट करी हुई यहाँ पर, बहुत सारे पौधे भी बन चुके हैं मेरे जरबेरा के, और सभी को पहला पानी जो देंगे हम वो फंजीसाइड वाला ही देंगे, तभी फंगस वगैरह नहीं लगेगी। और इसको रख देंगे सेमी शेड एरिया में, जहाँ बस हल्की सी ब्राइट लाइट आती हो, बहुत ज़्यादा तेज धूप में नहीं रखिएगा। जितने भी प्लांट आप डिवाइड किए हैं उसको आप धूप में नहीं रखिएगा, इस तरह से एक पौधे से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। तो अगला पौधा है हमारा, ये है फिलोडेंड्रोन का। फिलोडेंड्रोन की भी इसी तरह से नीचे से पॉप्स निकलती हैं और उसको भी डिवाइड करके आप बहुत से आसानी से लगा सकते हैं। अब सारे प्लांट को मैं डिवाइड करके दिखाने लगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप कहिएगा इतना लंबा वीडियो कौन देखता है, तो बहुत सारे नाम भी मैं बता देती हूँ और कुछ प्लांट को मैं डिवाइड करके भी दिखाने वाली हूँ। तो ये पौधा है फिलोडेंड्रोन, इसकी भी नीचे से पॉप्स निकलती हैं और इसे भी आप डिवाइड करके एक पौधा से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर लेते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही आसानी से चल जाता है। अगला प्लांट है, ये है युका। युका भी जो पौधा होता है ना, वे फुल सनलाइट में रहने वाला पौधा है और बहुत ही आसानी से चल जाता है। इसको जो इसकी जो है ना रूट से इस तरीके से इसमें निकलते हैं छोटे छोटे पॉप्स, इसमें देखिए अभी निकलना स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे निकल रहे हैं, इकट्ठे ही बहुत सारे देखिए यहाँ पर से निकल रहे हैं, नीचे से दिख रहे हैं ना आपको, वहीं से निकल रहे हैं। तो डिवाइड करके एक प्लांट से आपको बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाता है। और अगला प्लांट है, ये है हमारा एरिका नट। एरिका नट भी बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। एक प्लांट आपके घर में अगर जो हो गया है तो बहुत सारे पौधे इसके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, पूरी सनलाइट में बहुत ही आसानी से रह जाता है। इसे आप सेमी शेड एरिया में भी रखेंगे तब भी बहुत ही आसानी से चल जाता है, पानी भी कम चाहिए और ग्रो भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। बिना खाद के भी ये पौधा इजी टू ग्रो होता रहता है। और अगला पौधा है, ये हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना की जो वैरायटी होती है ना, वो कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाती है, लेकिन जो ड्रेसिना के जो पौधे आपके पास रहेंगे प्लांटर में, तो आप देखिएगा नीचे से ना बहुत सारे पॉप्स निकल जाते हैं, तो उस पॉप्स को तोड़ तोड़ कर या फिर डिवाइड कर 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 एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे पौधे लगा लिए हैं। और अगला पौधा है हमारा, ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही आसानी से डिवाइड करके लगा सकते हैं और इसकी तो रनर भी निकलती है ना, तो उससे भी ये बहुत ही आसानी से लग जाती है। लेकिन ये जो पौधा है, इसको आप देखिएगा थोड़े दिन में ये रूट बॉन्ड हो जाता है। तो इस पौधे को भी अलग करके पॉप्स से एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पौधा देखिए कितना घना हो चुका है। चाहे जिस वेराइटी का भी स्पाइडर प्लांट हो, सिंगल हो या वेरीगेटेड हो, तो सभी को इस तरह से मैं अलग अलग करके बहुत सारे प्लांट बना ली हूँ और सभी देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। और अगला पौधा है, ये है हमारा अवर्थिया। अवर्थिया भी एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बना सकते हैं। साइड से आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें पॉप्स निकल रहे हैं, तो इसको भी आप अलग करके एक पौधे से बना सकते हैं। अगला पौधा है हमारा, ये कोमोसम।
मौसम भी देखने में स्पाइडर प्लांट लगता है, लेकिन इसमें ना जो रनर होते हैं वो नहीं निकलते हैं। स्पाइडर प्लांट में जैसे रनर निकलते हैं ना, उस तरीके से इसमें नहीं निकलते हैं। इसमें इस तरीके से ब्रांचेज में ही पॉप्स निकलते रहते हैं इस तरीके से, और इसे तोड़ तोड़ कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगाइए। इस तरह से देखिए मैं तोड़ ली हूँ, और यहाँ से देखिए इसमें भी रूट है, तो नीचे की पत्तियाँ हटाकर और इसे मैं ग्रो कर दूंगी, तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है, ईजी टू मेंटेन है। अगला पौधा है हमारा ये रजनीगंधा। रजनीगंधा का एक बल्ब आप ले आइएगा, इसके ये ना ट्यूबर से ग्रो होता है, बल्ब इसे नहीं कहते हैं। तो एक ट्यूबर अगर जो आप ले आइएगा तो बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं, और रजनीगंधा को कौन नहीं जानता, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। और अगला पौधा है ये हमारा जीजी प्लांट। जीजी प्लांट ना इस तरीके से ट्यूबर से ये भी ग्रो होता है, ट्यूबर कह लीजिए या फिर बल्ब कह लीजिए, इसकी रूट भी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है, और ये फुल्ली इंडोर बहुत ही आसानी से रहता है। जब भी आप इसे पौधे को लगाएं तो छोटे से प्लांटर में लगाएं, बहुत बड़ा प्लांटर अगर जो आप दे दीजिएगा तो ये पौधा ना खराब हो जाता है। तो इसकी जो रूट दिखती है ना गोल गोल से ट्यूबर, उसे भी आप ग्रो कर दीजिएगा तो बहुत ही आसानी से लग जाती है, या इसकी आप कटिंग करके भी लगा सकते हैं, लेकिन डिवाइड करके लगाना ज़्यादा इजी होता है। अगला पौधा है यह है अमरलस लिली। अमरलस लिली की जितनी भी वेराइटी है सभी बहुत ही आसानी से डिवाइड करके आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बल्ब से बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो होती है। एक बल्ब आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा तो बहुत सारे बल्ब आपके गार्डन में ये हो जाते हैं। तो इस तरह से अमरलस लिली के भी बल्ब जब आप गार्डन में ले आएंगे, इस टाइम में तो नर्सरी में खूब मिलती है, तो आप ले आइए और एक पौधा से बहुत सारे पौधे तैयार कर लीजिए। अगला पौधा है ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट को भी आप डिवाइड करके एक पौधा से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, और डिवाइड से तो पौधे, एक पौधे से बहुत सारे पौधे इजी टू ग्रो भी हो जाते हैं और कभी ख़राब भी नहीं हो जाते हैं, सभी पौधे चलते हैं बहुत ही आसानी से। और ये है पौधा हमारा कैलेडियम। कैलेडियम की भी जितनी भी वेराइटी है ना सभी को आप डिवाइड करके लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग की नहीं जाती है, ये ट्यूबर या बल्ब से ग्रो होने वाले पौधे हैं, तो सभी को आप डिवाइड करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बना सकते हैं इजी टू ग्रो। और ये जो ट्यूबर वाले पौधे होते हैं ना, इससे कम पानी की भी जरूरत होती है। और अगला पौधा है ये है हमारा एरोहेड कह लीजिए। ये भी बल्ब वाला पौधा होता है, वैसे एरोहेड वो वाला नहीं है सिंगोनियम वाला, ये एरोहेड दूसरा वाला है जिसे आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। सिंगोनियम वाले में तो आप कटिंग करके लगाते हैं ना, और ये डिवाइड वाला है, ये बल्ब वाला प्लांट है, और इस तरह से इसमें ना छोटे छोटे इस तरह से नीचे में फ्लावर भी निकलते हैं, अभी कलियाँ ही बन रही है, अभी फ्लावर खिले नहीं है। तो इस तरह से आप इस पौधे को भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, किसी प्रकार की खाद भी डालने की जरूरत नहीं है, और एक ही साल में आप एक प्लांटर से बहुत सारे प्लांटर आप इसके तैयार कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अगला पौधा है हमारा ये एस्पेरेगस का। एस्पेरेगस में भी इसमें बल्ब होता है, और इसे आप डिवाइड करके हर साल डिवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये डिवाइड कर करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, चाहे किसी तरीके का फर्न हो। और ये है हमारा पीस लिली का पौधा। पीस लिली का भी पौधा ना, इसे आप छोटा से छोटा प्लांटर दें तो बहुत ही आसानी से चलेगा, और इसमें इनडोर फ्लावरिंग भी होती है, इसे भी आप डिवाइड करके बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और फुल्ली इनडोर बहुत ही अच्छा चलता है। फुल्ली इंडोर में फ्लावरिंग प्लांट ये बहुत ही प्यारा होता है। अगला पौधा है ये है हमारा एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की जितनी भी वेराइटी है ना सभी को छोटा से छोटा प्लांटर देने की कोशिश करें। जब आप बहुत बड़ा प्लांटर दे देंगे ना तो इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा, जब ज़्यादा पानी हो जाता है, ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो ये पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो छोटा से छोटा प्लांटर देंगे ना तो बहुत ही आसानी से चलता रहता है, और इसे आप डिवाइड कर करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और सभी एग्लोनिमा की जितनी भी वेराइटी है ना, बहुत सारी वेराइटी होती है, सभी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और बिल्कुल ये सेमी शेड वाला पौधा होता है जो कम केयर में बहुत ही आसानी से चलता रहता है। बस अच्छी सी ब्राइट लाइट चाहिए, तो इससे ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो करता रहता है और इजी टू मेंटेन है। अगला पौधा है ये है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट में भी बहुत सारे पॉप्स निकलते हैं और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से डिवाइड कर करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी फैलता है ये पौधा। और जो अगला पौधा है ना, ये है चाहे ड्राफ्ट वाला स्नेक प्लांट, चाहे सेंसेवेरिया कह लीजिए, चाहे वो ड्राफ्ट वाली हो या फिर वो लंबा वाला, सभी स्नेक प्लांट को डिवाइड करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल इजी टू मेंटेन है, इजी टू ग्रो है, बहुत ही आसानी से ये चलने वाला पौधा होता है, और एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसे तो आप एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाती है। तो इसी तरीके से अगला जो पौधा है हमारा, ये है एलोवेरा। एलोवेरा में भी आप देखिएगा
देखिएगा साइड से बहुत सारे पफ्स निकल जाते हैं जो बहुत ही आसानी से डिवाइड होकर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो अगला पौधा है हमारा ये रियो का। रियो की जितनी भी वेराइटी है ना सभी में पफ्स निकलते रहते हैं और एक पौधा से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाता है और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इन सभी प्लांट को आप बखूबी एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। कटिंग लगने में ये होता है कि कटिंग लगेगी कि नहीं, कटिंग 100% चलेगी कि नहीं, और इतनी गर्मी में क्या पता कटिंग लगेगी कि नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी में कटिंग लगाना इतना आसान भी नहीं होता है। और अगला पौधा है ये है फर्न की वेराइटी। इसे भी आप डिवाइड करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती गर्मी में जब भी आप कटिंग लगाएं ना तो सबसे पहले कटिंग को पानी में ज़रूर से डालें, 15 से 20 दिन पानी में डाल दें, उसके बाद कटिंग लगाएं तो बहुत ही आसानी लग जाएगी। और अगला पौधा है ये है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम की जितनी भी वैरायटी है ना, पाम वाली वैरायटी, सभी को डिवाइड करके लगाया जाता है। एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। हाँ, इसे आप अगर जो जमीन में लगा दिए हैं तब इसमें बीज बन जाती है और बीज से एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप ग्रो कर सकते हैं। तो जब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है तभी इसमें सीड्स बनते हैं, वैसे नहीं बनते हैं। अगर आप प्लांटर में ग्रो करके रखे हैं तब इसमें सीड्स नहीं बनेंगे। तो एरिका पाम की सभी वैरायटी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। और ये है गजेनिया। गजेनिया में भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी आती है और पूरी गर्मी इसमें फ्लावरिंग इस तरह से चलती रहती हैं। तो इन सभी पौधों को भी आप डिवाइड कर करके, इसमें पॉप्स बहुत सारे होते हैं ना, तो डिवाइड कर करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। बखूबी ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है और अगले सीजन के लिए भी आप इसे बिल्कुल बचा कर रख सकते हैं, क्योंकि गजेनिया ना जब ख़राब होती है जो ज़्यादा पानी से होती है, तो ज़्यादा पानी इसमें ना डालें और फुल सनलाइट मिलती रहेगी इतना कि बस वो झेल सके। 3 से 4 घंटे सनलाइट में ना बहुत ही आसानी से चलती है। अगला पौधा है ये है हमारा रेन लिली। रेन लिली भी बहुत ही आसानी से चलता है और इसे भी आप एक बल्ब अगर जो आप नर्सरी से ले आए हैं तो डिवाइड कर करके आप थक जाइएगा, लेकिन रेन लिली आपके पास घटेगी नहीं। और एक बल्ब से ही बहुत सारे बल्ब हो जाते हैं, तो एक प्लांटर से बहुत सारे प्लांट बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, जिसे आप बहुत ही आसानी से डिवाइड कर करके एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, ये पूरी बरसात आपको पूरे फ्लावर से भरे रहेंगे और जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर लगाइए। और अगला पौधा है ये है हमारा कैलेथिया। कैलेथिया भी बहुत सारी वैरायटी में आता है, तो ये ना ज़्यादा धूप में भी ये इस तरह से पत्ते सिकुड़ जाते हैं और कम धूप मिले ना तब भी ये पत्ते सिकुड़ जाते हैं इस तरह से। तो इस पौधे को भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए कि इसमें इसको सेमी सेड में रखिए, ज़्यादा धूप भी बर्दाश्त नहीं करती है और फुल्ली इंडोर भी ये पौधा नहीं चलता है। तो इन सभी पौधों को आप डिवाइड कर कर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आप कब खरीद रहे हैं इस पौधे को, अगर जो नहीं है तो आप किसी के यहाँ से ला भी सकते हैं और एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या फिर बरसात, सभी मौसम में बिना झिझक के इस पौधों को डिवाइड कर करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप लगा सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।